नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। आपके साथ मैं गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस को इस बार आदिवासी समाज अपने अपने घर पर सादगी के साथ मनाएगा और कोरोना को लेकर शासन की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करेगा। यह निर्णय आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन आकाश द्वारा समाज के सभी संगठनों से चर्चा कर लिया गया है। आकाश ने सभी आदिवासी समाज के संगठनों से विश्व आदिवासी दिवस को अपने अपने घर पर उत्साह और गर्व के साथ मनाने का संदेश दिया है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में पहचाना जाता है। इस दिवस को आदिवासी समाज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। हर साल 9 अगस्त को इंदौर में आदिवासी समाज के संगठनों द्वारा आदिवासी सांस्कृतिक एकता महारैली निकाली जाती है, लेकिन कोरोना काल के कारण इस तरह की रैली और भव्य आयोजन करना संभव नहीं है। फिर भी आदिवासी समाज के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है और आदिवासी समाज ने शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए विश्व आदिवासी दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाने का फैसला लिया है। आदिवासी समाज द्वारा अपने अपने घरों में रहकर इस दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दिन समाज के प्रत्येक घर में दीये जलाए जाएंगे, लाइटिंग की जाएगी और मानव सेवा तथा गौ सेवा की जाएगी। विश्व आदिवासी दिवस को देखते हुए समाज के लोग क्रांतिकारी महापुरुषों का वर्णन करेंगे और घर के अन्य सदस्यों को उनके जीवन से अवगत कराएंगे। साथ ही समाज के लोगों द्वारा पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए वृक्षारोपण भी किया जाएगा। आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन आकाश ने समाज के सभी संगठनों से चर्चा कर विश्व आदिवासी दिवस को सादगी के साथ प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाने का फैसला लिया है। आकाश ने समाज के सभी व्यक्तियों से विश्व आदिवासी दिवस को घर पर उत्साह के साथ मनाने की अपील। इस वर्ष मनाया जाता है, इस वर्ष कोरोना काल चल रहा है, कैसे बनाया जाएगा और क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे समाज जन को? हर साल विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इंदौर में जैसे कि आप पिछले साल देखे होंगे बहुत धूमधाम से मनाया गया है और इस साल भी हमारी यही रणनीति थी और प्रोग्राम हमारा तय हो रहा था, लेकिन चूंकि ये COVID-19 के समय में अभी हम मनाने जा रहे हैं तो उसको कैसे मनाएं, इसके लिए हमने हमारे जो आदिवासी संगठन हैं उनसे चर्चा की है। जैसे गोंडवाना से गोंडवाना महासभा है, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है, इन सब से जो है, और इधर भी जो है जयस है, आदिवासी मुक्ति संगठन है और बाकी और भी संगठन जो हैं हमारे, उनसे छात्र संगठन के भी जो बच्चे हैं उनसे भी सबसे बात किया है और उनसे जो फीडबैक मिला है और जो आकाश के जो आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन के जो पूरे जिलों के हमारे जो साथी हैं उनने वहाँ पे अपने जिलों में भी विचार मंथन करके और बाद में सभी जिलों के जिलाध्यक्षों से हमने जो है बात की है वेब नायर से जो उससे, और उसके बाद में हमने एक रूपरेखा तैयार की है। क्योंकि ये विकट समय है इसलिए हमने जो है उसको इस तरह से मनाए कि हमको भीड़भाड़ न कर पाएंगे हम, न करने की स्थिति में है न। प्रत्येक राष्ट्र की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उस राष्ट्र के आदिवासी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानवीयता और सांस्कृतिक अधिकारों को सुनिश्चित करना एवं उनके सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना ये संयुक्त राष्ट्र ने निर्देशित किया है और कहा है। इसी के तहत 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त 2019 जो कि बड़े धूमधाम से मध्य प्रदेश राज्य में और बाकी देश के बाकी विभिन्न राज्यों में भी बड़े धूमधाम से मनाया है। इंदौर में भी पिछले साल 25,000 के लगभग हमारे आदिवासी युवा युवक वृद्धजन कर्मचारी अधिकारी सम्मिलित हुए। इसी प्रकार से अलीराजपुर, पेटलावत, पाटी, अंजर, खंडवा, बैतूल प्रदेश के कई छोटे से बड़े गांवों में बड़े ही धूमधाम से उत्साह के साथ इस आदिवासी दिवस को मनाया, जिसमें प्रदेश के पुलिस प्रशासन ने, राजस्व प्रशासन ने, स्थानीय स्तर के भी प्रशासन ने बहुत इस समारोह के लिए सहयोग दिया,
उनको इस चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ ही हमारे जो साथियों ने बड़े उत्साह के साथ इस प्रोग्राम को बिना अवरोध के पिछले साल मनाए, उन सभी साथियों को भी आज इस चैनल के माध्यम से हम अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ। नमस्कार।